हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्किन वाइटनिंग और एंटी एजिंग मैरीगोल्ड फ्लावर क्रीम बनाएंगे। ये क्रीम हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को फेयर बनाती है, ये हमारे डार्क स्पॉट, डिसकलरेशन और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को दूर करती है, ये हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करती है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन एकदम यूथफुल, स्पॉटलेस और ग्लोइंग हो जाती है। तो आइए इस मैजिकल क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। मैरीगोल्ड फ्लावर क्रीम बनाने के लिए मैंने ये चार मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल ले लिए हैं। ये दिखने में कुछ इस तरीके के होते हैं और आपको ये कहीं पर भी बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इन फूल के पेटल्स को इस तरह अलग कर लेंगे और इसके इस ग्रीन वाले पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। तो अब हम इसी तरीके से सारे पेटल्स को अलग निकाल लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने सारे फूल की पत्तियों को अलग निकाल लिया है। तो अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये फूलों की पत्तियाँ डालेंगे। इनमें 2 चम्मच गुलाब जल ऐड करेंगे। जार का ढक्कन लगाएंगे और इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और फूलों की सारी गुडनेस गुलाब जल में अच्छे से आ गई है। तो अब हम एक स्ट्रेनर की हेल्प से फूलों के रस को इस तरह छान लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने फूलों के रस को अलग निकाल लिया है और इसका कलर कितना सुंदर आया है। मैरीगोल्ड फ्लावर में एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन और वाइटन बनाती हैं। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हमारे फाइन लाइंस और रिंकल्स के प्रोसेस को स्लो डाउन करती हैं। नेक्स्ट, अब हम इसमें ये 1 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करेंगे। ग्लिसरीन हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज कर बहुत ही सॉफ्ट और सपल बनाती है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलिव ऑयल हमारी सन डैमेज स्किन को रिपेयर करता है और साथ ही हमारी स्किन को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। नेक्स्ट, अब हम इसमें 1 विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन पर ग्लो लाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो इसलिए हम आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी इसमें 1 विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल ज़रूर ऐड करें। और अब हम लास्ट में इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट ये 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल में कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमें सनबर्न होने से बचाता है और साथ ही हमारे एक्ने और पिंपल्स की समस्या को भी एकदम जड़ से ख़त्म कर देता है। तो ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और आप देखिए क्रीम का टेक्सचर कितनी स्मूथ बनी है। और ये हमारी क्रीम बनकर एकदम रेडी हो चुकी है। तो अब हम इस तरह कोई भी एक कांच का कंटेनर ले लेंगे और इसमें क्रीम को स्टोर करेंगे। आप इस क्रीम को फ्रिज में रख के 15 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, मैंने क्रीम को कंटेनर में फिल कर लिया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको कब और कैसे अप्लाई करना है। तो इस क्रीम को अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें और उसके बाद इस तरह क्रीम लें और इसे अपने फेस और नेक एरिया पे इस तरह जेंटली मसाज करें, या फिर आप इसे जब तक मसाज करें जब तक कि आपकी स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हो जाती। आप इस क्रीम को सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले ज़रूर अप्लाई करें। पर मेक श्योर कि अगर आप इसके 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे डेली बेसिस पर यूज़ करें। और इस क्रीम के रेगुलर यूज से आप लगभग 1 ही हफ्ते में देखेंगे कि आपकी स्किन टोन एकदम इवन हो जाएगी, आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन बहुत ही फेयर लगने लगेगा, आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेंगे और आपकी स्किन एकदम क्रिस्टल क्लियर, स्पॉटलेस और ब्रिलियंट हो जाएगी। तो आप भी 100% नेचुरल और इफेक्टिव क्रीम को एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।